रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश बीएस नर्सिंग जेनेरिक सेमेस्टर 1 अक्टूबर 2023 का सब्जेक्टिव पेपर। सबसे पहले हम इसकी इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। तो यानी आउट ऑफ 7 यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली एनी 5 क्वेश्चंस। अपनी मर्जी के कोई 5 सवाल आपने करने हैं। पहला सवाल है डिफरेंशिएट बिटवीन पास्ट सिंपल टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। दूसरा सवाल है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट सिंपल टेंस। क्वेश्चन नंबर 3, कंपेयर एंड कंट्रास्ट एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्कस सम मेजर टाइप्स ऑफ एसे, गिव एग्जांपल्स ऑफ ईच। क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंशिएट बिटवीन फ्रेज क्लोज एंड सेंटेंस, ऑल्सो प्रोवाइड अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स। नंबर 6 है एक्सप्लेन एनी 5 idioms विद मीनिंग एंड एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन नंबर 7, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। एजुकेशन शुड बी मेड फ्री, टीचर्स डोमिनेंसी, यूनिवर्सिटी लाइफ। इसमें हम आज इन सब्जेक्टिव पेपर को डिस्कस करेंगे कि पहला सवाल हम देखते हैं इसमें कि डिफरेंशिएट बिटवीन पास्ट सिंपल एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब सब्जेक्टिव है, आपका अपना स्टाइल ऑफ राइटिंग है कि आप किस अंदाज में लिखते हैं। इट्स ऑल योर चॉइसेस, ऑल द एग्जांपल्स डिपेंड अपॉन योर योर चॉइसेस। जैसे पहला सवाल है कि पास सिंपल, तो आपने सबसे पहले डेफिनेशन डाली, हेडिंग डाली पास सिंपल की, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, पास सिंपल लिखा और उसकी डेफिनेशन लिख दी। वी नॉर्मली यूज पास सिंपल व्हेन एन एक्शन हैपन इन पास एंड फिनिश्ड, कि कोई काम माजी में हुआ और माजी में खत्म हो गया, दिस इज कॉल्ड पास सिंपल। तो अब आपने उसकी 5 एग्जाम्पल दे दी, आई रोट अ लेटर, ही वेंट टू द पार्टी, शी ड्रॉप अ कार, शी कुक फूड, वी प्लेड क्रिकेट। और अगर आप उसमें पास्ट टाइम लगा देंगे तो आई रोट अ लेटर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, लास्ट नाइट, तो वो उसी पास्ट टाइम में वो सेंटेंस की मीनिंग चली आएगी। यानी कोई काम हुआ पास्ट में और पास्ट में फिनिश हुआ, तो ये एग्जांपल हो गई पास्ट सिंपल की। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट की एग्जांपल है व्हेन एन एक्शन हैड हैपन बिफोर समथिंग हैपन, किसी काम से पहले किसी काम का हो जाना पास्ट में, दिस इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट। यानी कि पास्ट सिंपल करीब माजी है, पास्ट परफेक्ट बईद माजी है, दूर माजी है। यानी कि कोई काम हुआ और माजी में खत्म हो गया और उससे भी पहले किसी काम का हो जाना, ये कहलाता है पास परफेक्ट। इसका हम कंपाउंड बनाएंगे तो आपको तब समझ में आएगा। पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब आप इसमें देखें, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, यानी पहला काम कौन सा हुआ कि पहले मरीज मरा फिर डॉक्टर आया। ठीक है, डॉक्टर आए, ये पास सिंपल है, बिफोर द डॉक्टर केम, और पेशेंट हैड डाइड, हैड के बाद जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, दिस इज पास परफेक्ट, कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अनदर एग्जाम्पल है, व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी। तो आप सिंपल एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं पास परफेक्ट सेंटेंस की 5 एग्जाम्पल डेफिनेशन लिखने के बाद, आई हैड रिटन अ लेटर, शी हैड कुक फूड, ही हैड ड्रिवन अ कार, वी हैड प्लेड क्रिकेट। यानी थर्ड फॉर्म अप्लाई करते हैं वर्ब की। आप चाहे तो फॉर्मूला लिख सकते हैं पास सिंपल का, के सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, और पास परफेक्ट का सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब सेकंड क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट बिटवीन प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट सिंपल टेंस, यानी एक टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एक है प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो पहले आपने हेडिंग डाली प्रेजेंट कंटिन्यूअस की और डेफिनेशन लिखी, वी नॉर्मली यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस व्हेन वी आर एट द मिडिल ऑफ एन एक्शन इन प्रेजेंट। हम नॉर्मली प्रेजेंट कंटिन्यूअस इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी काम के मिड में हो, प्रेजेंट में। और प्रेजेंट सिंपल टेंस कब इस्तेमाल करते हैं, तो पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एग्जाम्पल दे दें आप, कि आई एम राइटिंग अ लेटर, यानी सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। आई एम राइटिंग अ लेटर, शी इज कुकिंग फूड, ही इज ड्राइविंग अ कार, दे आर वॉचिंग टीवी, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। ये एग्जाम्पल्स हो गई प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। फिर आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेडिंग डाली और उसकी डेफिनेशन लिखी, वी नॉर्मली यूज प्रेजेंट सिंपल टू टॉक अबाउट आर डेली रूटीन, यूनिवर्सल ट्रूथ, स्टेट एक्सेट्रा। वर्ब टू बी भी हम प्रेजेंट सिंपल में इस्तेमाल करते हैं, यानी इज एम आर,
आई एम अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट, इज अ बॉय, शी इज अ गर्ल, इट इज अ पेन, या अनदर एग्जाम्पल यूनिवर्सल ट्रूथ की एग्जाम्पल आपने लिखी द सन राइजेज इन द ईस्ट, या फिर आपने डेली रूटीन आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो आप इस तरह फाइव एग्जाम्पल्स प्रेजेंट सिंपल की दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच, दीज आर टू डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच। तो पहले आपने एडजेक्टिव की हेडिंग डाली और आपने उसकी डेफिनेशन लिख दी कि वी नॉर्मल यूज एडजेक्टिव टू मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए, उसकी क्वालिटी डिसक्वालिटी, उसके करेक्टरिस्टिक्स बताने के लिए, कि असलम इज अ बॉय फॉर एग्जाम्पल, तो जी जो बॉय है इसको एडजेक्टिव मॉडिफाई करेगा, असलम इज अ गुड बॉय, गुड का मतलब असलम एक अच्छा लड़का है, असलम इज अ बैड बॉय, असलम एक बुरा लड़का है, असलम इज अ हैप्पी बॉय, असलम इज अ सैड बॉय, असलम इज अ टॉल बॉय, असलम इज अ थिन बॉय, असलम इज अ स्लिम बॉय, असलम इज अ हैंडसम बॉय। तो एडजेक्टिव क्या करता है, मॉडिफाई करता है नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी या फिर डिसक्वालिटी को। इसी तरह से फिर आप एडवर्ब की हेडिंग डालेंगे, तो एडवर्ब जो है वो मॉडिफाई करता है किसी वर्ब को या फिर अनदर एडवर्ब को या फिर किसी और अनदर पार्ट ऑफ स्पीच को, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच को एडवर्ब जो है मॉडिफाई करता है। इसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एक एक एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। आई यूजली गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ही ड्राइव स्लोली, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो आई कम ऑन टाइम, टाइम आ गया इसमें। तो आप डिफरेंट एग्जाम्पल्स दे सकते हैं एडवर्ब की, एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस, टाइम और फ्रीक्वेंसी की। उसके बाद अगला सवाल है, डिस्कस सम मेजर टाइप्स ऑफ एन एसे, गिव एग्जाम्पल ऑफ ईच, मेजर टाइप्स डिस्कस कीजिए एसे की और एग्जाम्पल दीजिए हर एक की। तो उसमें मेजर टाइप्स में नरेटिव ऐसे है, आर्गुमेंटेटिव ऐसे है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ऐसे है। तो आपने हेडिंग डाली फॉर एग्जांपल नरेटिव ऐसे, तो आपने उसके बारे में लिखा कि व्हेन वी टेल अ स्टोरी, नरेट अ स्टोरी, देन वी यूज नरेटिव ऐसे। डिस्क्रिप्टिव ऐसे जो है वो फाइव सेंसरी डिटेल्स उसमें आती हैं, वो डिस्क्राइब करता है उसके नाम से ही, कॉज एंड इफेक्ट, जिसमें एक्सपोजिटरी ऐसे कहलाता है वो, कि अगर महंगाई हो रही है फॉर एग्जाम्पल, तो उसकी कॉज हो सकती है मैनी कॉजेज हो सकती हैं, या तो पेट्रोल के प्राइस की वजह से, या करप्शन की वजह से, या किसी और वजह से, या डॉलर के रेट बढ़ने से। तो ये कॉज एंड इफेक्ट ऐसे कहलाते हैं, एक्सपोजिटरी ऐसे कहलाते हैं। कंपेयर एंड कंट्रास्ट यानी दो शख्स, दो जगह, दो चीज़ों के दरमियान जब आप कंपेयर और कंट्रास्ट करते हैं, तब आप यूज़ करते हैं कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे। तो इस तरह मुख्तसर आपने ऐसे की डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐसे की हेडिंग्स डाल के उनकी डेफिनेशंस लिख देंगे आप। फिर उसके बाद है अगला सवाल, डिफरेंशिएट बिटवीन फ्रेज क्लूज एंड सेंटेंस, आल्सो प्रोवाइड अप्रोप्रिएट एग्जांपल, यानी कि जो फ्रेज होता है वो आपने उसकी हेडिंग डाली ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज मीनिंग बट इट हैज इनकम्प्लीट मीनिंग, जैसे इंटरेस्टेड इन, कीन ऑन, गुड एट, फील लाइक, कॉन्फिडेंट ऑफ, ये तमाम क्या है, ये फ्रेजेस हैं। जब आप सेंटेंस में यूज करते हैं इट गिव्स कंप्लीट मीनिंग, आई एम इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स, अब इसकी मीनिंग कंप्लीट है। क्लोज क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है विच हैव सब्जेक्ट एंड वर्ब, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है, दैट इज कॉल्ड अ क्लोज। इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, तो दो क्लोजेज हैं, इफ यू वर्क हार्ड और यू विल गेट सक्सेस। इसी तरह से सेंटेंस है, सेंटेंस जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स है विच हैज कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट सेंस, कंप्लीट थॉट, कंप्लीट आइडिया इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ऑल्सो प्रोवाइड अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स, और तो आपने उसकी जो है एग्जाम्पल्स दे देनी है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सिक्स, एक्सप्लेन एनी फाइव इडियम्स विथ मीनिंग एंड एग्जाम्पल्स, कोई फाइव इडियम्स अपनी मर्जी के एक्सप्लेन करें और उनकी एग्जाम्पल्स भी दीजिए। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर आपने लिखा, उसके आगे लिख दिया आपने रोजगार रोजी, ब्रेड एंड बटर कहलाएगा, और यानी लाइवलीहुड आपकी कहलाएगी, टीचिंग इज माई ब्रेड एंड बटर, टीचिंग मेरा रोजगार है। ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट के आगे आपने लिख दिया, यानी कि तहरीर में idiom, यानी कि इनकी जो लिटरल मीनिंग नहीं होती, इनकी एसोसिएटिव मीनिंग होती है। आई वॉन्ट टू सी योर एप्लीकेशन इन ब्लैक एंड वाइट, मैं रिटर्न में आपकी या कंप्लेन, आई वॉन्ट टू सी योर कंप्लेन रिटर्न इन ब्लैक एंड वाइट। बेड ऑफ रोजेस, बेड ऑफ रोजेस का मतलब है फूलों की सेज, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, जिंदगी फूलों की सेज का नाम नहीं,
या फिर बाय हुक और बाय क्रूक, हर जायज और नाजायज तरीके से। ही वॉन्ट्स टू बी अ सक्सेसफुल मैन, ही वॉन्ट्स टू बी अ रिच मैन बाय हुक और बाय क्रूक, वो अमीर आदमी बनना चाहता है हर जायज और नाजायज तरीके से। शेड क्रोकोडाइल्स टीयर्स, टू शेड क्रोकोडाइल्स टीयर्स, यानी कि मगरमच्छ के आंसू बहाना। डू नॉट बिलीव इन हिम, ही ऑलवेज शेड क्रोकोडाइल्स टीयर्स, उस पर भरोसा मत करना क्योंकि वो हमेशा क्रोकोडाइल्स टीयर बहाता है, यानी कि मगरमच्छ के आंसू बहाता है। अब उसके बाद है राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। एसे का मैं इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, तीन चीजें मैं पहले रिकॉर्ड कर चुका हूँ कि तीन चीजें होती है एक एसे में, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में आप उस चीज को इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं, और जो बॉडी होती है, अगर आपने एसे को बड़ा करना है 500 600 वर्ड्स का, तो बॉडी में बजाय एक पैराग्राफ के 3 से 4 पैराग्राफ आप बढ़ा देते हैं और टॉपिक सेंटेंस से शुरू करते हैं हर पैराग्राफ, और कंक्लूजन में वही जो थीसिस स्टेटमेंट आपने जो बॉडी में डिस्कस किया होता है, जो मेन पॉइंट को, उसी को आप कंक्लूड कर देते हैं। थैंक यू।